पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के विरोध में फ्रांस में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़कों पर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 14 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रदर्शन के दौरान एक शख्स की मौत होने की खबर है। मृतक और घायलों का ये आंकड़ा सिर्फ एक दिन का है। ज्यादातर जगहों पर प्रदर्शन येलो वेस्ट संगठन के बैनर तले हुआ। इस बीच एक सर्वे में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की लोकप्रियता में 25% की गिरावट आने की जानकारी मिली है। शनिवार रात से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते देश में करीब 87 जगहों पर शुरू हो गए। सड़कों को जाम किया गया। ये सभी लोग पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं। गृह मंत्री क्रिस्टोफ कैस्टनर के अनुसार इन प्रदर्शनों में घायल हुए 409 लोगों में 28 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को हुए प्रदर्शनों में देश के 2034 स्थानों पर करीब 288,000 लोग शामिल हुए। इनमें से 3500 लोग रात भर सड़कों पर जमे रहे। प्रदर्शन में शामिल 157 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कैस्टनर ने बताया कि शनिवार रविवार की पूरी रात कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों का टकराव हुआ, जिनमें काफी लोग घायल हुए।